हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे और उसके रेमेडीज़ को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टीज़ होती हैं उन पार्टीज़ को अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। तो जब कभी भी पार्टीज़ अपनी ड्यूटी या अपना ऑब्लिगेशन जो उनको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्म करना था वो परफॉर्म करने में फेल हो जाती हैं, उसे कम्प्लीट नहीं करती हैं, तो वो क्या कहलाता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट ऑब्वियस बात है, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स कम्प्लीट होगी, ए बी को ये गुड सप्लाई करेगा, रिगार्डिंग बी उसको वो कंसिडरेशन देगा। अब ए उस गुड्स को सप्लाई ही नहीं करता है, मतलब उसने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस जो था वो नहीं किया, उसने गुड्स सप्लाई नहीं की, तो ये क्या हो गया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जब भी कोई पार्टीज अपना अपनी ड्यूटीज अपनी परफॉर्मेंस नहीं करती हैं तो क्या कहलाता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ए ने क्या किया था? एग्री किया था कि वो बी को अपनी वाइट कार सेल करेगा 5 लाख रुपीज़ में 10th अगस्त को। लेकिन उस बी ए ने क्या किया? बी की जगह सी को और 10th अगस्त की जगह 1st अगस्त को ही उसने अपनी कार सेल कर दी। अब इससे क्या हो गया? जो कार बी को सेल करनी थी, क्योंकि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि पर्टिकुलर डेट को इतने अमाउंट में हम कार जो है सेल होगी, कार की ट्रांजेक्शन होगी, तो ए ने क्या किया? वो बी की जगह किसी और को सेल कर दी। इसका मतलब उसने अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं की, तो ए फेल हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट जो कि ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे परफॉर्म करने में। तो ये क्या कहलाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से होता है, एक होता है आपका एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है आपका एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो पहले हम देखेंगे एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 39 में डिस्कस किया गया है। वहां पर क्या बताया गया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसा हो रहा है आपका कि पर्टिकुलर डेट जो डिसाइड थी, जिस डेट पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता और ये परफॉर्मेंस आपको करनी थी, आप उस फिक्स डेट से पहले ही आप उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं, जैसे अभी लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था, तो मतलब आप टाइम से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हैं। जिस समय परफॉर्म करना था उस डेट का भी आपने वेट नहीं किया, उसके पहले उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस को आपने ख़त्म कर दिया, तो वो क्या होता है? एंटिसिपेटरी ब्रीच कहलाता है। जैसे ए ने क्या कहा था? ए ने एग्री किया, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, तो ए ने एग्री किया कि वो बी को 10 जून को अपना गिटार सेल करेगा 5000 में, लेकिन उसने क्या किया? 7 जून को ही वो गिटार सी को सेल कर दिया। देखिए परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कब थी? 10th जून को कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ए क्या करता? बी को वो गिटार सेल करना था, लेकिन क्या किया? ए ने 10 जून का वेट नहीं किया, 10 जून से पहले ही उसने वो गिटार किसको सेल कर दी? सी को। मतलब परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए जो डेट फिक्स थी, जब उस डेट के आने से पहले ही आप उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसको परफॉर्म नहीं करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर बहुत ही क्लियरली बताओगे कि जिस गिटार को बी को देना था 10 जून को, उसी गिटार को उसने सी को दे दिया, तो बट ऑब्वियसली बात है कि अब वो बी को गिटार नहीं दे पाएगा, तो ये क्या हो गया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो भी कौन सा? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दो तरीके से होता है। दो तरीके से कैसे? एक तो आप जो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, टाइम से पहले जो आप परफॉर्मेंस नहीं करने वाले हैं वो आपने एक्सप्रेस कर दिया बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, आपने लिख के या बता के इन्फॉर्म कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, राइट, टाइम से पहले ही। और दूसरा इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, या फिर दूसरा क्या हो गया कि टाइम आपने ऐसा कुछ किया कि पहले ही पता चल गया कि भाई अब ये उस डेट को काम नहीं कर पाएगा, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था, राइट, इम्प्लाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि जब ए ने बी को जो गिटार सेल करनी थी 10 जून को, जब उसने 7 जून को सी को सेल कर दी, तो ये क्या हो गया? ये एक तो फिक्स डेट से पहले हो गया, तो ये एंटिसिपेटरी हो गया। दूसरी बात, ये कैसा हो गया? इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जब आपने 7 जून को ऑलरेडी उस गिटार को किसी और को सेल कर दिया, तो ये तो बहुत ही क्लियरली पता है कि अब बी को वो गिटार नहीं मिल सकती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो बी और ए के बीच में, तो वो टूट गया। तो आपने बाय कंडक्ट, इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट, आपने ऐसा काम किया कि वो क्लियरली पता चल गया कि उस डेट को वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर सेम सिनेरियो में अगर उसने ये चीज़ इन्फॉर्म कर दी होती बी को कि अब वो क्या करेगा, अपनी गिटार आप बी को नहीं बल्कि किसी को सेल करने वाला है, तो इस केस में ये जो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती वो एक्सप्रेस बाय वर्ड हो जाती, राइट, तो एक्सप्रेसली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाती। तो ये हो गया हमारा एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉन्ट्रैक्ट की, दैट इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए नाम से पता चला एक्चुअली ब्रीच हो गया, मतलब डेट से पहले नहीं, एग्जैक्ट डेट को। सो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल्ड डेट, जिस डेट को आपको काम कंप्लीट करना था उस डेट को आपने उस काम को कंप्लीट करने से मना कर दिया, तो ये क्या हुआ? एग्जैक्ट शेड्यूल्ड डेट
पे, कॉन्ट्रैक्ट की जो शेड्यूल डेट थी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी की, उस डेट को आप रिफ्यूज़ करते हो तो वो क्या कहलाता है? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और ये भी क्या हो गया, मे बी कमिटेड एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, मतलब जैसे कि आज करना था तो अभी परफॉर्मेंस ड्यू है, उस टाइम हमने इसको डिनाई कर दिया, उस चीज़ को नहीं किया। या दूसरा क्या है, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपने क्या किया, तोड़ दिया उसको। कैसे तोड़ दिया, कि जैसे हम मान लीजिए कि रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था या घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था, और आधा घर बना था और आधे घर के बीच में आपने क्या किया, अब हम आगे नहीं बनाएंगे, तो ये क्या हो गया, ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रिज किया, आधा किया और आधे पे मना कर दिया कि अब काम नहीं हो सकता, तो ये ड्यूरिंग परफॉर्मेंस हो गया। और अब जब आज से काम शुरू करना था घर बनाने का और आज की डेट से काम शुरू हो जाता, आज ही आपने मना कर दिया अब हम नहीं आएंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया कि परफॉर्मेंस की डेट को आपने मना कर दिया। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गई कि एक तो परफॉर्मेंस करते वक्त आप डिनाई कर जाते हो, एक परफॉर्मेंस के जब परफॉर्मेंस ड्यू है तब आप डिनाई कर जाते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये दोनों चीजें क्या होंगी, शेड्यूल्ड डेट पे होंगी, जिस डेट को होनी थी, राइट। तो ये तो क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जांपल इसको समझते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि ए एग्रीज टू डिलीवर 100 बैग्स ऑफ शुगर टू मिस्टर बी ऑन 1st February 2022। ए एग्री था कि वो मिस्टर बी को 100 बैग्स ऑफ शुगर, शुगर की 100 बोरियां जो हैं वो 1st February को डिलीवर करेगा। तो परफॉर्मेंस ड्यूटी जो थी वो किस डेट की थी, 1st February को। बैग कब ट्रांसफर होना था, 1st February को। अगर 1st February से पहले ही ये तोड़ा जाए तो ये एंटिसिपेटरी हो जाएगा, लेकिन अब ये 1st February को तोड़ा जाएगा तो क्या कहलाएगा, एक्चुअल। सो ऑन द सेम डे ही फेल टू सप्लाई 100 बैग्स ऑफ द शुगर टू मिस्टर बी। जब 1st February आई और मिस्टर बी को 100 शुगर्स डिलीवर होने थे, वो नहीं हुए, ए ने नहीं डिलीवर किया, सप्लाई नहीं किया, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि डिलीवर डेट पे, शेड्यूल डेट पे वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, राइट। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसके टाइप्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो क्या रेमेडीज हैं, हमारे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, राइट। तो रेमेडीज़ में पहला रेमेडीज होता है सूट फॉर डैमेजेस। सूट फॉर डैमेजेस का क्या मतलब हो गया, कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो बट ऑब्वियस सी बात है नुकसान हुआ होगा, तो अगर नुकसान हुआ है तो उसके लिए केस कर देना और उस नुकसान को कंपनसेट करा लेना। तो कंपनसेशन फॉर द लॉस और डैमेजेस कॉज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जितना भी लॉस हुआ है उसको कंपनसेट कराने के लिए केस कर देना और उसकी रिकवरी कर लेना, राइट। अब यहाँ पे डैमेजेस में बहुत तरीके के होते हैं ना, नॉर्मल डैमेजेस और रेडिक्टिव डैमेजेस, बहुत सारे डैमेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे हम इन शॉर्ट समझ रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, लॉस ऑफ डैमेज हुआ तो आप उसकी रिकवरी करवा लेते हो, तो एक तो ये रेमेडी होता है। दूसरा रेमेडी क्या होता है, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो ये क्या होता है, इट्स कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द बिगनिंग सो दैट इट इज़ ट्रीटेड एज नेवर हैविंग एग्जिस्ट। इस तरह ये जो रेमेडी होती है ये क्या हो जाती है, कि बेसिकली हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे, इस तरीके से उस चीज़ को ख़त्म करेंगे कि भाई ऐसा कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, मतलब ना अगर आपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो अब ना आप ओबलाइज्ड हो और ना ही मैं ओबलाइज्ड हूँ, मतलब दोनों ही क्या हो गए, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से काम खत्म हो जाता है, मतलब ऐसा बिहेव किया जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। तो राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आर रेट्रोस्पेक्टिवली एक्सटिंग्विश, तो जो भी दोनों पार्टीज की राइट और ड्यूटीज बनती थी इस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से खत्म कर दी जाती है, मतलब शुरुआत से ये माना जाता है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, तो ना आपका कोई काम था ना हमारा कोई काम था, इस हिसाब से ये रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस टू बी डिलीवर 50 बैग्स ऑफ सीमेंट ऑन 1st August 2022, तो ए ने प्रॉमिस किया था कि वो 50 बैग्स जो है सीमेंट की 1st August को बी को डिलीवर करेगा। अब बी ने क्या कहा था कि जब वो डिलीवरी हो जाएगी तो वो क्या करेगा, बी उनको पेमेंट करेगा, ए को पेमेंट कर देगा। अब अपॉइंटेड डेट मतलब 1st August को ए फेल हो गया, उसने सीमेंट की बोरियां नहीं दी, अभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैंसिल कर देना, एक तरीके से रिवोक कर देना। तो अब रिवोक कर देने का क्या मतलब हो गया, अब जैसे ए ने अगर उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है और ए ने सप्लाई नहीं की, तो अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बी भी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया, मतलब बी को भी अब कोई प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी टाइम से बी भी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया। तो ये क्या कहलाता है, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एक और रेमेडीज होती है, वो क्या होती है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो जब कभी भी डैमेज उतना क्लियर उस चीज़ को जस्टिफाई ना कर रहा हो कि हम डैमेज क्लेम कर दें और उससे हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने से नुकसान हुआ वो भरपाई हो जाए, ऐसा जब नहीं होता तो उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट किया जाता है। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे काम करने का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे इक्विटेबल रिलीफ ग्रांट की जाती है, किसके थ्रू, कोर्ट के थ्रू। और कोर्ट क्या कहती है, कंपेल करती है जो ब्रीचिंग पार्टी है उसको कि आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें, पर ऐसा वो तब करेगी, मतलब कोर्ट ऐसा तब कर सकती
सकती है जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग हो और जो सामने वाली पार्टी जिसने सूट किया है वो ये चीज़ प्रूफ कर सके कि वो हमेशा से अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए रेडी थी, विलिंगनेस में थी और वो सब तरीके से प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को कम्प्लीट करने के लिए एलिजिबल है, उस केस में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट कर सकते हैं कि मतलब सामने वाली पार्टी उस वर्क को कम्प्लीट करे। जैसे इफ़ ए एग्रीज टू सेल सर्टेन शेयर्स टू बी ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी विच आर लिमिटेड इन नंबर्स एंड आफ्टर अ पेमेंट मेड बाई बी, तो ए ने एग्री क्या किया था कि वो बी को कुछ शेयर्स सेल करेगा जब बी उसका पेमेंट कर देगा और ऐसे लिमिटेड कंपनीज के जो लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर्स को वो सेल करने की बात कहा था। अब होता क्या है कि ए रिफ्यूज टू सेल द शेयर्स, ए ने मना कर दिया कि अब उस शेयर को सेल नहीं करेगा। अब इस सिचुएशन में अगर बी उस डैमेज से रिकवरी की बात नहीं करती है तो बी बिल्कुल ये कह सकती है कि हमने तो अपना पार्ट प्ले कर दिया था, अब उनको भी पार्ट को प्ले करना ही होगा। सो इन दैट सिनेरियो बी इज एंटाइटल्ड टू रिकवरी ऑफ दोज शेयर्स, तो बी क्या कर सकती है उनको उस परफॉर्मेंस को कंप्लीट कराने के लिए कंपेल कर सकती है, मतलब उनको वो शेयर्स उन्हें देना पड़ेगा, उसकी रिकवरी वो करा सकती है। तो दैट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूट फॉर इंजेक्शन। सूट फॉर इंजेक्शन का क्या मतलब हो गया, ये कैसी रेमेडी हो गई? तो यहाँ पे कोर्ट क्या करती है, इंजेक्शन ऑर्डर इशू कर देती है। इंजेक्शन ऑर्डर का इशू करने का मतलब क्या होता है कि रेस्ट्रेन हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस नॉट टू डू, मतलब कि वो आप कोर्ट क्या करेगी, रोक लगा देगी उस चीज़ को करने के लिए जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉमिस किया था कि आप नहीं करोगे। सपोज अभी मैं एग्जांपल से इसको और क्लियर कर देती हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे कोर्ट रोक लगाने वाली है। रोक किस चीज़ के लिए लगाएगी कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में कहा था कि आप ऐसा काम नहीं करोगे ना, तो अब आप अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो तो भी आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, सूट फॉर इंजेक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक सिंगर था जिसने एग्री किया था कि बी के थिएटर में परफॉर्म करेगा 2 महीने के लिए और इस कंडीशन पे किया था कि जब तक वो इनके यहाँ परफॉर्म करेगा वो कहीं और परफॉर्म नहीं करेगा, राइट? तो मतलब 2 मंथ के लिए वो बी के यहाँ ही परफॉर्म करता और कहीं और परफॉर्मेंस नहीं करता। अब इस केस में क्या हो गया कि अगर ए अपनी परफॉर्मेंस नहीं करता है और अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो इस सिचुएशन में बी सूट फॉर इंजेक्शन कर सकता है। तो इन दैट सिनेरियो कोर्ट इन एक आपको ए को ऑर्डर करेगी, क्या ऑर्डर कर सकती है कि अगर वो बी के थिएटर में परफॉर्म नहीं कर रहा है तो 2 महीने के लिए वो कहीं और भी परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये हो गया सूट फॉर इंजेक्शन, क्लियर है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। सूट अपॉन क्वांटम मेरिट क्या हो जाता है, देखिए क्वांटम मेरिट एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है एज मच एज ही हैज़ डिजर्व्ड या एज ही अर्न्ड, मतलब जितना उतना कमाया है उसको उसको मिलना चाहिए। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, केस से तो क्लियर होगा कि मान लीजिए ए एग्री था कि वो 100 bags जो है कॉटन का वो डिलीवर करेगा बी को और 1000 rupees पर बैग की प्राइस फिक्स हुई थी, क्लियर है? अब ये 2 slot में डिलीवरी होने वाली थी, ठीक है? तो बैग का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था 50 bags का वो कम्प्लीट कर दिया गया, ए ने उसको डिलीवर कर दिया बी को और जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी वो करने में फेल हो गया। अब ऐसे सिनेरियो में बी क्या करेगी, बी मतलब ए क्लेस कर सकता है और अपना जो जिस पार्ट को उसने परफॉर्म कर दिया है उसका पेमेंट वो मांग सकता है, मतलब उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डिलीवरी कर दी थी तो बेसिकली उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए जितना भी पेमेंट है वो उसको मिल जाना चाहिए एज मच एज ही हैज़ डिजर्व्ड, जितना उसने काम कर दिया है उतने की उसको उतने के लिए वो ओब्लाइज्ड है कि उतने का उसको पेमेंट रिसीव होना ही चाहिए, मतलब सामने वाली पार्टी ओब्लाइज्ड है कि वो उतने का पेमेंट करे जितने की परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी हुई है, दैट इज सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, राइट? तो अगर कभी भी जो परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट का वो पार्ट में हो रहा हो और पार्ट में होने से अगर बीच में मतलब डूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता तो जितना पार्ट ऑलरेडी परफॉर्म किया जा चुका है उतने पार्ट की रिकवरी हो सकती है अंडर अ क्वांटम मेरिट। सो ये सारी की सारी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसकी रेमेडीज़ के रिगार्डिंग था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।